Hey, hello, Kesh family. You're watching Kid Kadiars and this is the Kesh. Friend, आपने गौर किया होगा कि बहुत कम लोग अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं और बहुत कम टाइम पे कर पाते हैं। और वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो अपने काम में एक्सलेंस लाते हैं, अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं। हर इंसान जन्म से एक जैसा ही होता है, लेकिन हमारी सोच, हमारा हार्डवर्क और हमारा डेडिकेशन हमें दूसरों से अलग बनाते हैं। और इसमें काफी हद तक रोल हमारे हैबिट्स का भी है। वो हैबिट्स तो धीरे धीरे डेवलप होती है और धीरे धीरे हमारे लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो जाती है, और वही चीज हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करवाती है। सो गाइस, इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे बन सकते हैं, अपने हर काम में एक्सलेंस को कैसे अचीव कर सकते हैं। सो भाई और बहनों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं यार। मैं अपने हर वीडियो में प्रिंसिपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ फॉर्मूला, कुछ प्रिंसिपल दूंगा जिनका यूज करके आप अपने डेली लाइफ को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 1, सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप कभी भी नेगेटिव सोच के कभी भी पॉजिटिव अचीव नहीं कर सकते, और अगर आपको पॉजिटिव अचीव करना है तो आपको पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहना पड़ेगा, ऐसे लोगों के साथ जिनका माइंड शार्प है और पॉजिटिव एटीट्यूड है। एक पुरानी कहावत है, आपके माइंड में अगर अच्छा जाएगा तो अच्छा निकलेगा और बुरा जाएगा तो बुरा निकलेगा। इससे ऑथर का मतलब ये है, अगर आपके माइंड में कुछ पॉजिटिव है तो आपके एक्शन भी पॉजिटिव ही होंगे, और अगर आपके माइंड में नेगेटिव है तो आपके एक्शन नेगेटिव होंगे। तो ऐसे लोगों के साथ रहें, उनसे मिले जो आपको हेल्प करें, आपके गोल को अचीव करने में आपकी मदद करें। नए दोस्त बनाएं, ऐसे लोगों को बिल्कुल छोड़ दें जिनके माइंड में सिर्फ गार्बेज भरी है। प्रिंसिपल नंबर 2, ग्रो योर स्ट्रेंथ। अपनी लाइफ में बहुत कम लोग को ही पता होता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी ताकत क्या है और उनमें कौन कौन से वीकनेसेस हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको अपने साथ बहुत ज्यादा टाइम बिताने की जरूरत है, अपने आप में टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है। आप खुद के साथ टाइम बिताएं, खुद पर रिसर्च करें और खुद से पूछें कि मेरी ताकत कौन से है, मेरे वीकनेसेस कौन से हैं, और लगातार अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाते रहें। और जो भी आपकी कमजोरी है उन्हें छुपाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि अपनी कमजोरियों को भी अपनी ताकत बनाने की कोशिश कीजिए। हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान ऐसे ही करते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन जस्ट दैट इन लिटिल एक्स्ट्रा। ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी में बस इतना सा फर्क होता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है, एक्स्ट्रा मेहनत करता है और एक्स्ट्रा टाइम देता है। तो आप भी काम करने से मत डरे, हर चीज के एक्सपीरियंस ले, अपने फेलियर से सीखे और आगे बढ़े। एक बात हमेशा याद रखना, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान हमेशा अपनी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान रखता है, क्योंकि उसे हमेशा पता होता है कि छोटी छोटी बातें ही बाद में बड़ा प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए आप अभी से उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सुधार लीजिए जो बाद में बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। प्रिंसिपल नंबर 4, आस्क योरसेल्फ एवरीडे। हर दिन रात में सोने से पहले एक बात अपने आप से जरूर पूछिए कि मेरे आज का परफॉर्मेंस कैसा था, मैंने अपने काम पे कितना परसेंट दिया, और क्या मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप इससे अच्छा कर सकते हो तो नेक्स्ट डे उससे भी ज्यादा मेहनत करो, और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके अपने आप को और भी ज्यादा इम्प्रूव करो। हर दिन के लास्ट में अपने आप से पूछो कि मुझ में कौन सी कमी है जिसे मैं सुधार सकता हूँ या जिसे इम्प्रूव किया जा सकता है। हो सके तो एक नोट पैड रख लो जिसमें आप अपनी बातें लिखो, जो भी छोटी छोटी बातें लगती हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है उसे उस नोटबुक में नोट कर लो। प्रिंसिपल नंबर 5, बिकम ए ग्रेट लर्नर्स। दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, अगर आप उन्हें गौर से देखो तो उनमें आपको एक चीज कॉमन मिलेगी कि वो ऑल टाइम लर्नर्स हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। अब यहाँ पे मैं सिर्फ बुक से पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लोग बुक से तो सीखते ही हैं, साथ साथ ये लोगों से भी सीखते हैं, अपने से सीनियर लोग और अपने से जूनियर लोगों से भी सीखते हैं, और उनका ये एटीट्यूड ही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है और लाइफ में ज्यादा कामयाब बनाता है। सो आप भी हमेशा सीखते रहें, जरूरी नहीं कि आप कुछ पढ़ के सीखे, आप YouTube पे ही बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं, अपने काम से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं, ऐसे नए फ्रेंड्स बना सकते हैं जो आपको हेल्प करें, जो आपको हमेशा मोटिवेट रखें और आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी मदद करें। प्रिंसिपल नंबर 6, बिलीव योर सेल्फ। जिस इंसान को अपने आप पे बिलीव होता है ना, अपने आप पे भरोसा होता है, वो मुश्किल से मुश्किल काम को भी अच्छे से कर लेता है, लेकिन जिस इंसान को अपने आप पे भरोसा नहीं होता वो सरल काम को भी मुश्किल बना देता है, और मैक्सिमम लोग यही करते हैं। सो आपको हमेशा अपने आप पे भरोसा रखना है, हमेशा अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान भी रखना है कि आपका कॉन्फिडेंस ओवर ना हो, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत लोगों के फेलियर का कारण बनता है। प्रिंसिपल नंबर 7, वर्क सुपर हार्ड। अगर आपका एक डिजायर है, एक इच्छा है, एक गोल है जिसे आप पाना चाहते हो, तो उसे अचीव करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दो। वर्क लाइक बीस्ट, ऐसे काम करो जैसा कोई नहीं करता। हमेशा याद रखो कि इलॉन मस्क ने कहा था, अगर आप एक हफ्ते में 100 घंटे काम करते हो जबकि बाकी लोग सिर्फ 40 घंटे काम करते हैं, तब भी आप वो काम 4 महीने में कर लोगे जो बाकी को करने में 1 साल लगता है। तो आपको अपने टाइम की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए,
सिर्फ उसी चीज पर फोकस करो जो आपका मेन गोल है और बाकी चीज को इग्नोर करो। वर्क लाइक सुपर हार्ड फिजिकली एंड मेंटली, और आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप हमेशा राइट वे पे, राइट डायरेक्शन पे हार्ड वर्क कर रहे हो, ना कि रॉन्ग डायरेक्शन पे। सो गाइस, ये थे कुछ प्रिंसिपल जिनका यूज करके एक ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। बस अपने आप पे भरोसा रखो, बिलीव योर सेल्फ और राइट डायरेक्शन पे मेहनत करते जाओ। ये सारी बातें मैंने आपको अगेन वही बुक 24 आवर्स टर्न अराउंड से बताई है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। सो गाइस, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, क्योंकि जब आप दूसरों के साथ ऐसी वीडियो शेयर करोगे तो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, बी स्मार्ट, बी अवेयर, एंड प्लीज चेक आउट माई चैनल।